हेलो एवरीवन, R.A.C ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। इसमें फोर्थ चैप्टर है वायु प्रशीतन निकाय, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये जो वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाएगा, यानी कि प्रशीतक के रूप में वायु का प्रयोग किया जाएगा, जो निम्न तापमान की वस्तु से या स्थान से उष्मा को लेकर उच्च तापमान वाली वस्तु या स्थान को उष्मा का परित्याग करेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो यूज होती है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो यहाँ पे जो वायु होगी वो सदैव गैसियस फॉर्म में रहेगी। उसका जो फेज है वो चेंज नहीं होता, हमेशा गैस में ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका वायु प्रशीतन चक्र है दो प्रकार का होता है, खुला चक्र और बंद चक्र। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है खुला वायु प्रशीतन चक्र का। इसमें शीतल कक्ष में वायु को वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं, जबकि बंद चक्र में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। इसमें जो आपका जो कंप्रेसर है उसमें जाने से पूर्व ही यहाँ पे आपको प्राइम सॉल्यूशन इनलेट कराया जाएगा जो कि ठंडा होता है। यहाँ से आपका जब एयर निकलेगा तो थोड़ा अधिक तापमान अधिक दाब पर होगा, तब जाकर संपीड़क में प्रवेश करेगा। दाब अधिक पहले से ही होगा तो संपीड़क को दाब पाव अधिक करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और छोटे आकार का ही संपीड़क प्रयुक्त किया जा सकता है, जिससे जो वायु ऊर्जा है उसकी खपत कम होती है। तो इस प्रकार से बंद चक्र में ये खुले चक्र से इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। ठीक है, वायु प्रशीतन चक्र में वायु प्रयुक्त करने से कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं, अदर साइड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, अलाभ हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो वायु होती है आसानी से उपलब्ध होती है, उसकी लागत बहुत ज्यादा नहीं होती है, या एक सुरक्षित प्रशीतक है, जैसे कि इसमें कोई विषैलापन नहीं पाया जाता है, और इसको यूज करना भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, मितव्ययी होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हानियां भी हैं जो वायु प्रशीतन चक्र में उनको देखा जाता है, जैसे कि जो निष्पादन गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसमें काफी कमी होती है, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है परिचालन परिचालन लागत वो भी काफी ज्यादा होती है। इस वायु प्रशीतन निकाय में जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाए वो बहुत ही बल्की होते हैं, अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं, और इसके अलावा जो ऊष्मा प्रवाह की क्षमता है, जो कम तापमान की वस्तु से जो ऊष्मा ली जाती है और अधिक तापमान वाले को ऊष्मा दी जाती है, तो ये जो ऊष्मा प्रवाह है उसकी जो कैपेसिटी है क्षमता है उसमें भी कमी देखी जाती है वायु प्रशीतन निकाय में। ठीक है, तो वायु प्रशीतन निकाय बेल कोलेमैन चक्र पर आधारित है, जो कि प्रतिवर्तित कार्नोट साइकिल या कार्नोट चक्र का अपोजिट एक संशोधित रूप है। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या होता है, जैसे ये साइकिल है टीएस डायग्राम में दिखाया गया, इसमें 1:2 जो आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होता था वो तो होता ही है, यहाँ पर देखिए 1:2 आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, लेकिन 2 से 3 जो यहाँ पे आइसोथर्मल जो प्रोसेस था उसको स्थिर दाब तापमान में बदल दिया गया है, यानी कि इसमें जो आपका प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र था उसमें जो स्थिर ताप की जो दो आपके प्रोसेस थे 2, 2, 3 एंड 4, 2, 1 स्थिर दाब तापमान में उन्हें बदल दिया जाएगा इस बेल कोलेमैन चक्र में। ठीक है, तो ये बेल कोलेमैन चक्र यहाँ पे शो किया गया है जिससे आपका वायु प्रशीतन निकाय वर्क करता है। इसमें सबसे पहले आपका जो एयर है वो शीतलन शीतल कक्ष में प्रवेश करके शीतित होता है, उसके बाद संपीड़क यानी कि कंप्रेसर में जाता है, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है जो आपको दिख रहा है यहाँ 1:2 टेम्परेचर भी बढ़ता है और 1:2 यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता है। इसमें संपीड़क में कंप्रेसर में 2:2:3 यहाँ पे शीतल जल को प्रवाहित किया जाता है, ये वायु शीतक है जिसमें ऊष्मा विनिमयक लगा रहता है, जिसमें शीतल जल एक छोर से प्रवाहित करते हैं और दूसरे छोर से शीतल जल को निष्कासित किया जाता है। 2:2:3 आपका जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक होगा, स्थिर दाब पे होगा, लेकिन वॉल्यूम भी 2:2:3 में घट जाएगी। ठीक है,
और टेम्परेचर भी कुछ थ्री थोड़ा डाउन हो जाता है। ये होता है आपके वायु शीतक कक्ष में। 3 to 4 आपका एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन डिवाइस में। इसमें आपका क्या होगा कि टेम्परेचर 3 to 4 जो है टेम्परेचर वो डाउन होगा और वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है 3 to 4 में जो वॉल्यूम है वो भी प्रसारक युक्ति में बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह पूरा शीतक कक्ष में जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बेल कोलिमन चक्र आपके वायु प्रशीतन निकाय में प्रयुक्त होता है। जो जो आपका रिवर्स पार्ट ऑफ साइकिल था उसका एक संशोधित रूप है जिसमें संशोधन क्या किया गया है, जो स्थिर ताप प्रक्रम थे, दो स्थिर ताप प्रक्रम थे, उन्हें दो स्थिर दाब प्रक्रम में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये पीवी टीएस और पीएच चार्ट के इस बेल कोलिमन चक्र को दर्शाया गया है। इसमें आपका जो निष्पादन गुणांक होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो होता है, इसको डेविएशन की आवश्यकता नहीं है। ये T4 अपॉन T3 माइनस T4 प्राप्त होता है। ये T3 है, यहाँ पे 3 पॉइंट पे जो टेम्परेचर है T3 है, 4 पॉइंट पे जो टेम्परेचर है T4 है। तो इस प्रकार से आपका वायु प्रशीतन निकाय वर्क करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।